ट्रिनबागो नाइट राइडर्स हारने का नाम नहीं ले रहे और पेट्रियट्स जीतने की मंशा नहीं बना रहे। वो समय है सीपीएल का जहां हर हार हो गई है कड़वी और हर जीत बहुत मीठी। फन 88 प्रेजेंट्स खेल सीपीएल और स्वागत है आप सबका। इसमें पहले तो पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं क्योंकि उससे अंदाजा हो जाता है कि एक टीम तो इधर रनिंग अवे विद द टूर्नामेंट। आई मीन कोई ऐसी टीम नहीं जिसको उन्होंने हराया नहीं, सबको वो भी वन साइडेड। जो भी आएगा पिटाई खा के जाएगा। उस टीम का नाम है TKR, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स। अब तो थोड़ा डर लगने लगा है कि भाई साहब एक आधा मैच हार जाओ, वरना अनबीटन अनडिफीटेड रन कोई फाइनल की ट्रॉफी उठाने तक हो जाए ऐसा होता नहीं है। वंस इन अ व्हाइल यू नीड टू लूज अ गेम और टू। तो फिर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स पर हारने का नाम ले नहीं रहे। और जो डिफेंडिंग चैंपियंस है बारबाडोस, दे जस्ट क्लचिंग ऑन स्ट्रॉस कि किसी तरीके से बचे रहें क्योंकि जीत आपको ज्यादा मिली नहीं, जबकि आपकी टीम उतनी खराब नहीं है। आपके पास करामाती खान है, टीम कैसे खराब हो सकती है। जमैका तलावाज हैवंट रियली सेट द वर्ल्ड ऑन फायर ईदर, उम्मीद थी कि बेहतर करेंगे। जो कहते हैं डार्क हॉर्स की जोकर इन द पैक, जो जिससे आपने कभी उम्मीद नहीं की और वो ऐसा काम कर जाए, सेंट लूसिया जूक्स जो है ये है बड़े कमाल के। प्रीटी जिंटा की टीम है, डैरन सैमी इसके कप्तान है और डैरन सैमी के पास कुछ खास बात है। बल्ले से कुछ करें ना करें, गेंदबाजी करें ही चाहे ना करें, लेकिन टीम जीतती रहती है इनकी। ये दो दो विश्व कप जीत गए ऐसे। और अभी भी नंबर दो पर जो टीम विराजमान है उस टीम का नाम है सेंट लूसिया जूक्स। मोहम्मद नबी इस टीम के खास प्लेयर। चलो अब एक एक करके अगले चार मुकाबलों का मैं करने वाला हूँ प्रीव्यू, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला जो मुकाबला है बारबाडोस ट्राइडेंट्स वर्सेस द ट्रिनबागो नाइट राइडर्स। अब एक तरफ राशिद खान साहब मिलने वाले हैं, लेकिन सामने वाली टीम में मतलब खानों के खान है सारे यार। मतलब वहाँ प्लेयरों की खान है, खदान है। चाहे आप गायरन पोलार्ड की बात कर लीजिए, आप ड्वेन ब्रावो की बात कर लीजिए, 500 विकेट उनकी होगी। ड्वेन और गायरन पोलार्ड का वो सामने वाला छक्का मुझे याद आ रहा है। फिर आप देखते हो कि उस टीम के अंदर सुनील नारायण है जिन्होंने पहले दो मैचेस में ऐसा कमाल कर दिया कि आप से मतलब बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं है। प्रवीण तांबे भी खेले लेकिन निकले वो भी 24 कैरेट खरा सोना। तो ये टीम अली खान भी है, टीम बड़ी अच्छी है। डैरन ब्रावो भी है, मतलब वो टीम ना मतलब मैच विनर्स की। कॉलिन मनरो भी है, मतलब बहुत बढ़िया टीम जो तैयार की है वो है ट्रिनबागो नाइट राइडर्स। एक नहीं चलता, दूसरा जरूर चलता है। बारबाडोस जो है सी अगर हेड टू हेड देखें तो बारबाडोस ट्रिनबागो से पीछे है। अगर इस समय के परिस्थिति को देखें तो फिर 5 में से 5 मैच जीत चुका है ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और बारबाडोस सिर्फ 2 मैच जीता है। जो पहला जीते और जो आखिरी अब खेले हैं वो जीते, बीच में 3 लगातार हार मिली हैं। तो एटलीस्ट दे हैव कम बैक टू विनिंग वेज। अगर और ये रिवर्स फिक्स्चर हो गया ना, तो अब मैं इसमें एक अगर कॉन्टेस्ट पिक करना चाहूँ तो मैं पिक करूँगा खान साहब को। मेरे करामाती खान है, बिल्कुल मुझे इनसे उम्मीद रहती है कि जब आएंगे तब विकेट चटकाएंगे। वैसे मिचेल सैंटनर भी हैं पर करामाती खान, और उनके सामने मैं रख रहा हूँ कायरन पोलार्ड। सो कायरन पोलार्ड वर्सेज करामाती खान इज गोइंग टू बी द कॉन्टेस्ट, द फन कॉन्टेस्ट टू लुक आउट फॉर। टीम तो बेहतर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स है ही, तो फिर लेकिन 5 जीत के आ रहे हैं। आई मीन एक मैच में मैं कह रहा हूँ बारबाडोस ट्राइडेंट्स। वैसे मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी फेल हो रही है, काफ़ी फेल हो रही है। आई एम गोइंग विद बारबाडोस ट्राइडेंट्स फॉर दिस वन। ट्रिनबागो इवेंचुअली आई थिंक दे विल लूज अ गेम और टू एंड दिस कुड बी दैट गेम। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनकाउंटर, सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स। पेट्रियट्स इस टीम का नाम है और बड़े बड़े नाम है वैसे इस टीम के अंदर। सामने होंगे जमैका तलावाज। ये बराबरी का मुकाबला नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जमैका तो फिर भी कुछ जीत के कुछ माहौल सा बनाया है, एटलीस्ट 2 मैच तो जीता है जमैका। पेट्रियट सिर्फ 1 मैच जीते और एक तरफे मुकाबले हार रहे हैं। ये कुछ भी कर ले वो हार जाते हैं। हालांकि टीम आप देखो तो इनमें एवन लुइस भी है, 1 मैच उन्होंने जितवाया बाय द वे। उसके अलावा एवन लुइस आपके पास है, बेन डंक आपके पास है, आपके पास क्रिस लिन है, आपकी टीम बिल्कुल ठीक ठाक है। रायन एमरेट है, एमरेट भी अच्छी कर रहे हैं गेंदबाजी, कप्तानी ठीक ठाक करते हैं। टीम उतनी ख़राब नहीं है ये, लेकिन खेल बहुत ही ऑर्डिनरी रहे हैं। मतलब जब इतना ऑर्डिनरी किसी टीम को आप देखो तो कहते हो यार कि थोड़ी परेशानियाँ ज़्यादा है। और दे आर एक्चुअली ऑन अ स्लिपरी स्लोप, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। जमैका आंद्रे रसल की टीम है तो आप इनसे हमेशा उम्मीद करते हैं कि बेहतर करेंगे। और बैटिंग में बहुत डेप्थ है, आप उनके साथ चलते हैं। उन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग को भी पहले से बेहतर कर लिया, मुजीब को ले आए हैं संदीप लामिछाने को भी। तो फिर वो टीम आप उम्मीद करते हैं कि ये टीम पहले से थोड़ा सा बेहतर करेगी, थोड़ा सा अच्छा खेलेगी। इस मैच की अगर मैं फन कॉन्टेस्ट की बात करूँ तो फिर एक तरफ मिलेंगे आपको शेल्टन कॉटल, अगर खेलते हैं नहीं खेलते हैं तो अल्ज़ारी जोसेफ तो पक्का खेलते हैं। अल्ज़ारी जोसेफ के सामने आंद्रे रसल, आई मीन दिस विल बी द फन एनकाउंटर दैट विल बी लुकिंग आउट टू वॉच, कि बड़ा मजा आने वाला है इसको देखने के लिए। जीतेगा कौन? आई एम गोइंग विद जमैका फॉर दिस वन।
पेट्रियट्स यूर डन यूर डस्टेड इन माई बुक, आप लोग वापस नहीं आ रहे हो, बट देन लेट्स फाइंड आउट। जमैका भी बहुत अच्छा नहीं खेल रहे, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द नेक्स्ट गेम, बार्बाडोस ट्राइडेंट्स वर्सेज सेंट लुसिया ज़ूक्स। बार्बाडोस ट्राइडेंट्स दो दिन में दो मुकाबले, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, ऐसा सेंट लुसिया ज़ूक्स के साथ भी हुआ था, बट देन दे वर ब्रिलियंट, वो अपना काम चला लेते हैं, अच्छी टीम खेल रही है बार्बाडोस ट्राइडेंट्स। देखिए स्टार्स हैं इनके पास, सुपर स्टार जैसा प्रदर्शन अभी सारे लोग नहीं कर रहे हैं मिलकर, सो दैट इज बीन द प्रॉब्लम ऑफ बार्बाडोस ट्राइडेंट्स, और ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अगर आप सेंट लुसिया ज़ूक्स में देखें तो आंद्रे फ्लेचर शुरू में आते हैं, साथ में आता है रहीम कॉनवॉल, उनके बाद आते हैं आपके पास नाजी गुला, फिर आते हैं मोहम्मद नबी, तो बैटिंग में अगर और रॉस्टन चेज बीच में बाई द वे, तो स्पिन तो इनकी बहुत सारी है, और स्पिन का थोड़ा सा पलड़ा भारी रहा है ये, अगर आप ट्रिनिडाड के दोनों मैदानों को देख लीजिए और क्वींस पार्क ओवल पे तो उससे भी ज़्यादा रहा है, तो फिर स्पिनर्स की बहुत चांदी चांदी है, मतलब दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू द स्पिन डिपार्टमेंट। व्हाट इज़ द फन कॉन्टेस्ट दैट आई एम लुकिंग फॉर, मिचेल सैंटनर बोलिंग टू एन आंद्रे फ्लेचर, आई मीन मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है करते हैं ये, मिचेल सैंटनर नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, तो अगर वो नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं सामने आंद्रे फ्लेचर हैं, तो दैट कॉन्टेस्ट, इनफैक्ट आंद्रे फ्लेचर और रैकिम कॉनवॉल दोनों, इट विल बी अ फैंटास्टिक फन कॉन्टेस्ट टू वॉच, हु इज गोइंग टू विन, आई एम गोइंग विद, इट्स अ टफ वन, आई एम गोइंग विद बार्बाडोस ट्राइडेंट्स, जा रहा हूँ मैं बार्बाडोस ट्राइडेंट्स के साथ, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गोइंग विद बार्बाडोस ट्राइडेंट्स, इवन दो सेंट लुसिया ज़ूक्स आर प्लेइंग बेटर क्रिकेट। माय लास्ट गेम इज सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स वर्सेस गयाना अमेज़न वॉरियर्स, 9-2 फेवर में, हेड टू हेड इज इन फेवर ऑफ गयाना, पता ही नहीं है कोई, मतलब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, गयाना हैज़न्ट प्लेड दैट वेल, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब जितनी आप उनसे उम्मीद करते हैं, जितना लगातार उनका प्रदर्शन रहता है अच्छा, इस बार उतना अच्छा नहीं रहा है, दे हैव नॉट बीन वेरी वेरी गुड एंड दैट्स बीन अ बिट ऑफ एन इशू। पर पेट्रियट्स के सामने तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि पलड़ा जो है वो गयाना का ही भारी रहने वाला है। कॉन्टेस्ट कौन सा हो सकता है, अगर आप गयाना की तरफ नज़र डालें तो आपको गयाना में मिलते हैं निकोलस पूरन, शिमरन हेटमायर, हेटमायर शुरू में बहुत अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा सा डिप आया पर अब मुझे लग रहा है फिर पकड़ लेंगे, तो उनकी तरफ मैं देख रहा हूँ कि वो बल्लेबाजी करने आए गयाना अमेज़न वॉरियर्स के लिए। और पेट्रियट्स का बॉलर इमरान खान ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की यार, तो वो जो लेग स्पिन डाल के तीनों ने विकेट चटकाए, आई एम गोइंग विद हिम, देखते हैं कि उन दोनों का आपस में कॉन्टेस्ट कैसा रहता है, दैट कुड बी द फन कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर, एंड विनर आई एम गोइंग विद गयाना अमेज़न वॉरियर्स, दिस इज़ माई प्रोडिक्शन दस फॉर, लेट्स फाइंड आउट कि मैचेस में क्या होता है। अभी आपको लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी भी बजानी है, और अ वर्ड ऑन फन 88, दिस वॉज फन 88 प्रेजेंट्स खेल CPL, फन 88 आर दी ऑफिशियल गेमिंग पार्टनर्स ऑफ द CPL 2020, जो इस साल हो रही है उसके ऑफिशियल गेमिंग पार्टनर्स, एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द डिजिटल स्पेस व्हेन इट कम्स टू द गेमिंग ब्रांड्स अक्रॉस द ग्लोब, तो फिर गिव देम अ फॉलो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अभी के लिए इतना ही, खेल CPL में फिर मिलेंगे दोबारा।